सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम अशोक गहलोत ने आवास पर बुलाई है अहम बैठक और कोर ग्रुप के अधिकारी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास। लॉकडाउन 4 को लेकर फैसला करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और देश भर में 31 मई तक बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। राजस्थान के लिए अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे। इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। नरेश, केंद्र सरकार का फैसला तो सामने आ चुका है, चौथा लॉकडाउन और वो भी 14 दिन के लिए, लेकिन अब नजरें टिकी हुई है राज्य सरकार पर, क्योंकि कई चीजों में फैसला राज्य सरकार पर छोड़ा है। बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार जो है वो केंद्र के फैसले का ही इंतजार कर रही थी, केंद्र के जो गाइडलाइन है उसी का इंतजार कर रही थी। और उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर बड़ी मीटिंग बुला ली है, क्योंकि देखिए केंद्र सरकार ने इस बार जो फैसला है वो राज्य सरकार पर छोड़ा है कि जो रेड जोन है, ऑरेंज जोन है, ग्रीन जोन है, बफर जोन है, इन जोन को कैसे डिवाइड करना है ये राज्य सरकार अपनी परिस्थिति के अनुसार तय करे। और इसी कारण से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब बड़ी मीटिंग बुलाई अपने आवास पर, जिसमें चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा शामिल हैं, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता है, निरंजन आर्य है, कुलदीप राका है, इसके अलावा राजीव स्वरूप, सुबोध अग्रवाल, ये भी मीटिंग में मौजूद है। और करीब माना जा रहा है कि 1.5 घंटे तक जो है ये मीटिंग चलेगी। और उस मीटिंग में तय होगा कि राजस्थान के लिहाज से क्या फैसला लिया जाए, किनको रेड जोन माना जाए, किनको ग्रीन और किनको ऑरेंज, और क्या सहूलियत जो है वो प्रदेश की जनता को दी जाए। क्योंकि देखिए इस बार जो है वो केंद्र ने जोन डिसाइड नहीं किए हैं, कि पहले था कि केंद्र बताता था कि कौन सा जिला कौन से जोन में है। अब जो राज्य सरकार है वो अपनी परिस्थितियों के अनुसार वहाँ की क्या स्थिति है, किस तरह संक्रमण बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसके अनुसार फैसला करेगी। और इस कारण से अब इंतजार इस बात का है कि राज्य सरकार जो है वो अपनी तरफ से अलग से डायरेक्शन है राजस्थान के लिए जारी करेंगे। हालांकि जो केंद्र ने जो डायरेक्शन दिए हैं कि कौन सी चीज़ें बंद रहेगी और कौन सी में इजाज़त मिलेगी, वो तो जैसे है वैसा ही लागू रहेगा, लेकिन जोन बदलने के साथ ही कई सहूलियत मिल जाती है। क्योंकि अगर रेड जोन के कई इलाके अगर ऑरेंज जोन में शामिल कर लिए जाए तो वहाँ छूट मिल जाती है। तो ऐसे कई जो फैसले हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेने हैं। हालांकि सुबह से ही इस पर एक्सरसाइज हो रखी है, लेकिन इंतजार इस बात का किया जा रहा था कि केंद्र सरकार वो पहले फैसला ले, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये पहले ही कह चुके हैं कि केंद्र की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ही राज्य सरकार चलेगी। और इसी कारण से जैसे ही केंद्र की गाइडलाइन है, केंद्र का निर्देश आया जैसा पहले से तय था, फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले बताया था कि 31 मई तक है वो लॉकडाउन रहेगा, आगे बढ़ेगा, और ठीक वैसा ही हुआ। और अब इस 31 मई तक के लॉकडाउन में राजस्थान में किस तरह से चीज़ें बदलनी है, किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से परिस्थितियाँ है वो सामान्य होनी है, इन सब बातों को लेकर तो फिलहाल सीएम आवास पर ही महत्वपूर्ण बैठक जो है वो चल रही है। और थोड़ी देर के बाद पूरी तरीके से जो निर्देश है वो भी सामने आ जाएंगे, फैसला ले लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए जानकारी।